दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। What is MRI scan in Hindi? दोस्तों आप लोगों ने MRI scan के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पूरे शरीर को एक मशीन के अंदर डालकर पूरी बॉडी का चेकअप होता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इस MRI scan में क्या होता है, ऐसे किस तरह से किया जाता है और इसे करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, MRI स्कैन करवाने में कितने रुपए लगते हैं, साथ ही साथ बताएंगे क्या MRI के दौरान जान भी जा सकती है। तो दोस्तों आपके इन सभी सवालों का जवाब हमारी आज की वीडियो में मौजूद है। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि MRI स्कैन होता क्या है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और इसे हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहते हैं। दोस्तों MRI में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की मदद से आपके शरीर के अंदर की चीजों का फोटो लिया जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन्स को एक साथ मिला करके उनका फोटो क्लिक करता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस MRI स्कैन को क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये बात तो आप बड़े अच्छे से जानते होंगे कि MRI स्कैनिंग की टेक्निक आने की वजह से मेडिकल के फील्ड में काफी बदलाव देखने को मिला, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी तरह के इक्विपमेंट पहुंचाए बिना अंदरूनी अंगों को काफी सटीकता से देख सकते हैं और उनके बारे में पता लगा सकते हैं। MRI स्कैन रोग और चोट के इलाज में डॉक्टर्स की मदद करता है और इसी की मदद से ये नजर रखी जाती है कि जिस मरीज की दवाई चल रही है वो उसके शरीर में फायदा कर रही है या नहीं। जब हम कोई खास काम कर रहे होते हैं तो दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा गतिशील रहता है, इस चीज को जानने के लिए भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस MRI स्कैन की मदद से दिमाग से जुड़ी तकलीफों का भी पता लगाया जा सकता है, जैसे कि मिर्गी और ट्यूमर वगैरह जैसी चीजें MRI स्कैन की मदद से जांच की जा सकती हैं। यहाँ तक कि किसी तकलीफ की वजह से सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो इसी मशीन के सहारे ब्रेन मैपिंग की जाती है। दोस्तों पेशेंट के मेडिकेशन की तरकीब जांचने के लिए भी डॉक्टर MRI का इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि MRI स्कैन कैसे होता है। जब कभी भी किसी का MRI स्कैन होता है तो डॉक्टर उसके सभी कपड़े उतरवा कर उसे अपने हॉस्पिटल का एक कपड़ा देते हैं, और जब ये MRI स्कैनिंग होती है तो उससे पहले मरीज के शरीर से सभी मेटल की चीजें निकलवा दी जाती हैं, जैसे कि घड़ी, चैन, अंगूठी वगैरह वगैरह। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई ऐसा कपड़ा पहना है जिसमें मेटल लगा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जींस वगैरह में मेटल लगे होते हैं तो वो MRI मशीन में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र में चिपक सकते हैं, और ठीक ऐसा ही आपके द्वारा पहने गए गहने या फिर घड़ी वगैरह के साथ भी हो सकता है। अब ऐसा करने के बाद उस मरीज को MRI स्कैन किए टेबल पर लेटाते हैं और फिर उसे अच्छी तरह से उस टेबल में सेट करके मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके बाद मशीन शक्तिशाली मैग्नेट रेडियो एक्टिव वेव्स और कंप्यूटर की मदद से मरीज के शरीर के अंदर की तस्वीरें लेती है, जो कि इंसान की बॉडी में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन्स की मदद से होता है। स्कैनिंग के दौरान ली गई तस्वीरों को देखकर ही डॉक्टर ये बात पता लगा सकते हैं कि इंसान के शरीर में किस तरह की तकलीफ है। अगर हम आसान भाषा में बताएं कि MRI स्कैन क्या होता है तो दोस्तों ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो लेती है, जो हमारे शरीर में मौजूद छोटी से छोटी चीज का भी पता बड़ी आसानी से लगा लेती है, और इसके द्वारा ली गई तस्वीरों से ही डॉक्टर ये बात समझ पाते हैं कि इंसान के शरीर में तकलीफ है या नहीं। अब यहाँ बात आती है इसमें कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो प्रेग्नेंट महिला को अपने डॉक्टर से ये बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि MRI स्कैन में निकलने वाली रेडियो एक्टिव वेव्स प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे बच्चे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और ये बात भी जरूरी नहीं है कि आप पूरे शरीर का ही MRI स्कैन करवाएं, क्योंकि जिस जगह आपको चोट लगी है या फिर जिस जगह पर दर्द या बीमारी है आप केवल उस जगह का MRI स्कैन करवा सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर आप चाहें तो आप अपने शरीर में किसी भी अंग का MRI स्कैन अकेले करवा सकते हैं, फिर चाहे वो ब्रेन हो, पैर हो, हड्डी हो या फिर कुछ और। पर अगर आप हमसे पूछे तो पूरे शरीर का MRI स्कैन करवाना ज्यादा सही होता है, क्योंकि क्या पता आपको कोई दूसरी बीमारी हो जो ना ही आपके पकड़ में आ रही हो ना ही डॉक्टर के, तो इस तरह के MRI स्कैन से उस दूसरी बीमारी के बारे में बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं MRI स्कैन के समय कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए।
तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जब आप MRI स्कैन करवाएं तो उस समय अपने आप से जुड़ी सभी जानकारी डॉक्टर को दे दें, जैसे कि आपने कहीं पर टैटू बनवाया हुआ है या फिर अपने दांत या कान वगैरह में किसी भी तरह की कोई चीज है डलवाई हुई है, उसके बारे में आपको डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। उसके साथ ही दोस्तों, अगर किसी एक्सीडेंट के दौरान आपके शरीर में लोहे या मेटल की कोई चीज डाली हुई है तो उसके बारे में तो डॉक्टर को पता होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है या फिर आपने किसी तरह की सर्जरी करवा रखी है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को बता दो। यानी कि आपके शरीर से जुड़ी जितनी भी जरूरी चीजें हैं आप उन्हें MRI स्कैन से पहले डॉक्टर को बता दें, ताकि उन्हें मालूम हो कि आपके शरीर में कौन सी चीज कहाँ पर किस तरह से हो रही है। दोस्तों, आपको MRI स्कैन के 4 घंटे पहले कुछ भी खाने या पीने से मना किया जा सकता है, और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीने के लिए भी कहा जा सकता है। वैसे तो इस टेस्ट में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अगर कंट्रास्ट की जरूरत होती है तो हल्का सा दर्द हो सकता है। इस पूरे टेस्ट में आपको 30 से 90 मिनट तक का समय लग सकता है। हालांकि आपके शरीर में जो अलग अलग तरह की तरंगे पड़ती है उसकी वजह से शोर पैदा होता है, इसलिए उसे ब्लॉक करने के लिए आपके कानों में एक ऐसा हेडफोन दिया जाता है जिसमें से या तो म्यूजिक निकलता है या सारी आवाज ब्लॉक हो चुकी होती है। चलिए अब बात करते हैं MRI स्कैन करने में कितना खर्चा आता है। MRI स्कैन करवाने में 1500 से 25,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन आपको हम बता दें MRI कराने का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि किस अंग का MRI करवाना है। अलग अलग अंगों के MRI कराने का खर्चा अलग अलग होता है। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी जानना जरूरी है कि अलग अलग शहरों के अस्पताल में इसकी कीमत भिन्न भिन्न प्रकार हो सकती है। तो दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको MRI स्कैनिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कसर मत छोड़ना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।